गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हमारा जो 10th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस चल रहा है उसका ये सेकेंड चैप्टर है, जिसका आज मैं इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। हम जब बुक खोलेंगे, जब बुक ओपन करते हैं, तो उसमें फर्स्ट पार्ट में पेज नंबर 16 में आप देखेंगे एपार्थेट, एक वर्ड आता है एपार्थेट। व्हाट इज़ एपार्थेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। सेकेंड पॉइंट जो है उसमें आप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग, आपने नेल्सन मंडेला का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना, जिन्होंने इस व्यवस्था के ख़िलाफ़ एक लंबी जंग लड़ी। किस व्यवस्था के ख़िलाफ़? एपार्थेड। अभी हमने जो देखा, एपार्थेड व्यवस्था के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग लड़ी। उनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला ने अपने जीवन के 30 साल इस जेल में बिताए, 30 साल जेल में बिताए थे सिर्फ इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। डू यू बिलीव? नहीं ना, विश्वास ही नहीं होता। आखिरकार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, जिसमें साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और मंडेला के संघर्ष और सत्य की जीत हुई, और वे पहले अश्वेत साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट बने। उनकी पार्टी ANC मींस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 252 सीट जीती 400 में से। इट्स अनबिलीवेबल। और इसी का इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन आज हो रहा है। आज डेट है 10 मई और जो जगह है वो प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में। अब एम्फी थिएटर क्या है? एम्फी थिएटर इज़ अ ओपन प्लेस विदाउट रूफ एंड लॉट ऑफ स्टेयर्स। एक ओपन प्लेस है जिसमें रूफ नहीं होती और बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं। ये ग्रीस जब हुए करते थे उनके महलों की याद दिलाता। आज यहाँ पर 140 देशों के विश्व नेता शामिल हुए हैं। कभी नहीं, फिर कभी नहीं, नेवर नेवर अगेन। इस यह भूमि इस खूबसूरत पल को महसूस अब आगे नहीं कर पाएगी। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेंडल ने यह कहकर अपने भाषण की शुरुआत की। अविश्वसनीय दृश्य, प्रिटोरिया की गलियों में जहाँ श्वेत अश्वेत और अन्य एक साथ इस समारोह का हिस्सा बन रहे हैं, करीब 10,000 लोगों से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन औरत पुरुष और बच्चे, वो चाहे किसी भी जाति को, यहाँ कोई जाति भेद आज नहीं दिखाई दे रहा है। सब एक साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पेज, पेज नंबर 16 ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, मेन कोर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप अपनी बुक को जब ओपन करेंगे तो आपको, अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं, तो आपको ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी।